अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फिर से आप सबका एक बार स्वागत है ZN कुकिंग में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े का और बहुत ही रिच सा एक गोश्त का सालन लेकर आई हूँ, मटन नवाबी ग्रेवी। ये बहुत ही मज़े का और बहुत रिच सालन है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। मेरे चैनल पर मैंने ऑलरेडी बहुत तरह के सालन अपलोड किए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये टेस्ट है, आप मेरी ये रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने मटन लिया है, जिसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली है मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने मटन लिया है, जिसे अच्छी तरह से साफ़ करके मैंने रख दिया है। ये मेरा 500 ग्राम मटन है, जिसके लिए यहाँ मैंने आधी कटोरी दही लिए है, आधी मुट्ठी पुदीना और आधी मुट्ठी हरा धनिया, और एक हरी मिर्ची थी जिसे मैंने इस तरह टुकड़ों में चॉप करके रख दिया है। अगर आपके बच्चे खा रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, अगर ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करते तो। यहाँ मैंने लिया है कुछ पाउडर मसाले हैं, जिसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है डेढ़ टेबल स्पून भरकर, मिर्चों की क्वांटिटी बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है। हल्दी ली है मैंने आधा टेबल स्पून, गर्म मसाला पाउडर लिया है एक टेबल स्पून, आधा टेबल स्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है, डेढ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ धनिया पाउडर लिया है, और नमक आपके टेस्ट के मुताबिक लिया है। यहाँ मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने 2 से 3 टुकड़ी दालचीनी, 3 से 4 लौंग, 2 इलायची और 1/4 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ लिया है शाही जीरा। यहाँ मैंने अदरक लहसुन लिया है 2 टेबल स्पून भरकर, यहाँ मैंने घी लिया है 1 से 1.5 टेबल स्पून भरकर है, और ये कुछ मसाले मैंने लिए हैं, जिसमें मैंने लिया है 4 से 5 बादाम लिए हैं, 4 से 5 काजू लिए हैं 2 टेबल स्पून भरकर, मैंने यहाँ सूखा नारियल लिया है 8 से 10 कलियाँ लहसुन के लिए है, 1 से 1.5 टुकड़ा अदरक का लिया है, 1 से 1.5 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने छिलके उतार के इस तरह से कट कर दिया है, और एक बड़ी प्याज का मैंने यहाँ ब्रिस्ता बना लिया है, और यहाँ मैंने आधा नींबू लिया है। सबसे पहले अब हम इसमें मैरिनेशन करेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले चिकन के अंदर जो हमने दही लिया है, वो दही को हम अच्छी तरह से फेंट कर इसमें ऐड कर देंगे, और इसी के साथ जो मैंने आपको पाउडर मसाले बताए हैं पूरे पाउडर मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। मसालों को अच्छी तरह झटक कर और साफ करके डालिए। ये बहुत ही मज़े का सालन है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही रिच सा ये सालन है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक देना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं हर बार कुछ नया लाती हूँ, हर बार कुछ डिफरेंट लाती हूँ। और इसी के बाद मैं जो अदरक लहसुन की पेस्ट ली है हमने 2 टेबल स्पून भरकर, तो पूरी हम अदरक लहसुन की पेस्ट इसमें अच्छी तरह से साफ करके ऐड कर देंगे। और जो हमने पुदीना और हरा धनिया और जो हमने हरी मिर्च ली है, इसको भी गोश्त के साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इनको अच्छी तरह अपने हाथों से मिला देंगे। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, अगर आपके पास वक्त है तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और जो घी हमने लिया था 2 टेबल स्पून, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इनको भी इसके साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मैं इसे ढककर 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगी। अगर आपको ओवर नाइट रखना है तो आप इसे रख सकते हैं, आप चाहे तो इसे फ्रिज में रखिए, चाहे तो इस तरह भी रख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, मेरे वीडियो ज़रा से भी अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मुझे फीडबैक दीजिए, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, मेरे वीडियोज़ को फुल वॉच कीजिए। और आपको कौन कौन सी रेसिपीज़ देखनी है आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके सब कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। तो ये देखिए, बस इसी तरह का गोश्त हमने मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसको ढककर इस तरह से लीड लगाकर मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए बस ऐसे ही छोड़ देंगे। और जो हमने ये सॉरी जो हमने नींबू का रस लिया था, वो नींबू भी हमने इसमें ऐड करना है, वो मैं भूल गई थी। इसके जो बीज हमें हटा लेना है, और इसको अच्छे से इस तरह से निचोड़ कर मिक्स कर देना है। अब हम इसे लीड लगाकर मैरिनेशन के लिए, तो ये जो सूखे मसाले या सूखे नट्स है जो मैंने आपको बताया था, अब हम ये एक साथ में इन सब की पानी डाल के अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे, और ये हमें बघारने के वक्त यूज़ करना है। बस इसी की हमें एक चिकनी सी पेस्ट पीसनी है, ये सब एक साथ में मिलाकर। तो देखिए माशाल्लाह, ये गोश्त जो है वो मैरिनेट होते हुए मेरे 2 से 3 घंटे आराम से हो गए हैं, और मैंने इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया था, और इसमें अभी से ही बहुत अच्छी ये गोश्त की खुशबू आ रही है। और मैंने इसे प्रेशर कुकर में बनाने वाली हूँ, क्योंकि तो मटन को कुक होने में ज़्यादा वक्त लगता है। अगर आप चिकन में ये रेसिपी बना रहे हैं तो आप इसे कोई भी कढ़ाई या पैन में बना सकते हैं। एक कुकर मैंने जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें 1 से 1.5 सर्विंग स्पून भरकर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं,
ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। और जो मैंने आपको ये खड़े गर्म मसाले बताए हैं वो लिए हैं मैंने, आप अगर उसमें डालना चाहे तो 2 तेज़पत्ते डाल सकते हैं। और ये जो मैंने आपको काजू बादाम और जो सूखा नारियल भी रिश्ता की हमने एक पेस्ट बना ली है। ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो रहा है, हम इसमें ये जो सूखे खड़े मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। और मसालों को अच्छी तरह से चटकने देंगे। ये आप मेहमानों के आने पर, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए बना सकते हैं, किसी ओकेजन पे, किसी के बर्थडे पर, या ऐसे ही अपनी फैमिली के लिए ऐसे एक बार ज़रूर बनाइए। बहुत मज़े का इसका टेस्ट है। देखिए जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से तड़प चुके हैं। अब जो ये गोश्त मैंने लिया है ये पूरा हम इसमें ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा है। और इसको हम अच्छी तरह तेल में मिक्स कर देंगे। और इसको हमें 4 से 5 मिनट के लिए बस इसी तरह से भून लेना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखकर मैं इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। बीच बीच में से 1 से 2 बार चलाना है। गोश्त जो है वो भूनते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए। और देखिए हमारा जो दही था वो अच्छे से पक गया है और इसका पूरा ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। हमको ये गोश्त की अच्छी भुनाई करनी है मसाले के साथ में, और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको चिकन में बना रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आप इसे प्रेशर कुकर में मत बनाना, क्योंकि चिकन कुक होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ये मैंने गोश्त लिया है इसलिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। ये देखिए गोश्त में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसने पूरा ऑयल जो है वो सेपरेट कर दिया है। इसका मतलब हमारा मसाला जो है अच्छे से पक गया है। और जो बर्तन में मैंने गोश्त को मैरिनेट किया था बस उसी में मैंने आधा कप पानी ऐड करके मैं इसकी इसी में से ऐड कर दूंगी। और ये देखिए नमक आप स्टेज पर चेक कर सकते हैं। और हमको ये गोश्त जो है वो 90% तक कुक कर देना है। मसाला नमक जो मैंने ऐड किया था वो एकदम बराबर है। और इस वक्त मुझे हमें इसकी लीड जो है वो लगा देनी है। और हाँ, मुझे कुकर को सॉरी मटन को जो है वो 90% तक हमें कुक कर देना है। इसकी मैं 1 से 2 सीटी ले लूँगी, फिर आपको इसको 90% कुक होने के बाद बताऊँगी। तो देखिए ये कुकर जो है वो ठंडा हो गया है, सॉरी इसमें का जो मैंने इसकी 2 सीटी लेकर इसे इसकी एयर रिलीज होने दिया था और बस इसी तरह इसे छोड़ दिया था। अब मैंने इसे वापस से गैस के ऊपर रख दिया है और गोश्त जो है वो मेरा 90% तक कुक है। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरी आई है। और जो ये पीसा हुआ मसाला है हमने वो हमें इसमें अभी ऐड करना है। पूरा मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रहेंगी। और अगर आपको इसमें और पानी चाहिए तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और उसी पॉट में जो मैंने मसाला बचा था उसमें 1/2 कप के करीब पानी डालकर इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम पूरा गोश्त जो है वो पकने तक या कुक बॉइल होने तक इसे पका लेंगे। माशाल्लाह ये सालन जो है वो अच्छी तरह से कुक पक गया है और गोश्त भी 100% से कुक हो गया है। हमारा ये सालन जो है वो ऑलमोस्ट डन है। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। अब मैं आपको इसे सर्व करके बताती हूँ। तो देखिए ये बहुत ही रिच और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस सा और बहुत ही यम्मी सा ये सालन बन गया है। बहुत रिच का टेस्ट है, इसे एक बार ज़रूर बना कर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आने वाली हूँ। मेरे वीडियोज़ को फुल वॉच कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ रेसिपीज़ ज़रा से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।